चल चल रुको ना, अरे छोड़ दो, चलिए आशु सुनो मेरी बात, आशु रुको ना, आशु जाके रोको उनको, देखने वाला है यार क्या कर रहे हैं, सुनिए ना मालकिन वो तो चले गए, कौन रोक सकता था इतना सब होने के बाद। ये आप क्या कर रही है मालकिन, आप अपने आप को संभालिए मालकिन, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दौर का जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, हर माँ बाप की यही खुशी होती है कि उनकी औलाद सुखी रहे, लेकिन आज इन्होंने अपने हाथों से सरिता को अपनी ही नफरत के हाथ में धकेल दिया। अपने मन को शांत कीजिए मालकिन, अपने मन को शांत। मैं क्या करूं, कैसे शांत हो जाऊं? क्या हो जाएगा? सारा दोष राम का ही है। अगर छोटी बहू को लेने जाना ही था तो उसे खुद जाना चाहिए था। आज मेरी तो दाईं आंख फड़क रही है, भगवान करे सब कुशल हो। बीजी, आशु कुसुम और सरिता को लेकर बस आता ही होगा। अरे क्या आता होगा, इतनी देर हो गई उसे गए हुए, वहां पहुंच के फोन नहीं कर सकता था। बीजी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? आप मन में उल्टे सीधे सवाल कर रही हैं, इसलिए परेशान हो रही हैं। अच्छा सोचो। अरे क्या अच्छा सोचो, इस घर की सुख शांति तो मेरे बेटे समीर के साथ ही चली गई। अब तो इस घर में परेशानी ही परेशानी है। मैं सत्यनारायण की पूजा करवाऊंगी इस घर की सुख शांति के लिए। हाँ ठीक है, करा लेना, लेकिन अभी अंदर जाके आराम करवा। हाँ हाँ कर लूंगी आराम। अगर आशु की जगह तू गया होता तो मुझे चिंता नहीं होती। हाँ बीजी, आशु को सब समझा कर भेजा है, ना ही समझदार होता तो यूं थप्पड़ ना मारता अपनी बीवी को। अब तो वो लोग जब आ जाएंगे तभी मेरी चिंता दूर होगी, समझे? कमला अंदर चल, आजा। आशु। जी भाभी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए भाभी। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी वहाँ हुआ तुम अंदर जाकर नहीं बताना। ये आप क्या कह रही हैं भाभी, क्या आप भूल रही कि सरिता के पापा ने आपके साथ क्या सलूक किया? मैं जानती हूँ आशु, लेकिन जो कुछ भी वहाँ हुआ उसे यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है। आशु तुम ये क्यों नहीं समझते कि इस सब का अंजाम क्या होगा? बाबा को बहुत गुस्सा आएगा, और फिर तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि वो अमर अंकल से क्या कहेंगे। नहीं भाभी, मैं खामोश नहीं रह पाऊंगा। आशु, इस वक्त समझदारी इसी में है कि हम सब चुप रहें। नहीं भाभी, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैंने अपनी आंखों के सामने आपका अपमान होते हुए देखा है, और उसके बाद चुप रहना नामुमकिन है। आशु प्लीज। भाभी, आप अपने अधिकार की तुलना मेरे कर्तव्य समझ कीजिए। आप ये क्यों नहीं समझती कि हमारी खामोशी हमें कसूरवार ठहराएगी? अगर पापा ने आपसे ये पूछ लिया कि सरिता कहाँ है और वो क्यों नहीं आई, तो आप क्या जवाब देंगे? वो तो मुझ पर छोड़ दो। नहीं भाभी, आप सच पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे। क्या बात है? सरिता नहीं आई? कुसुम ने तो जवाब दिया नहीं। तुम्हें पता क्या हुआ? खामोश क्यों है? बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? अरे कुसुम, तू आ गई बेटा। सरिता को लेने गई थी तो हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? देखा, हमें पता चल गया ना। आशु और सरिता भी आ गए। तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? कुसुम, क्या हुआ बेटा? तेरी खामोशी बता रही कि वहां जरूर कोई बात हुई है। क्या हुआ कुसुम? मुझे तो पहले से ही खटका लगा हुआ था और वो बिना बोले चली गई। हर बात की एक सीमा होती है कमला। आशु, क्या हुआ है? आज उन्होंने हर सीमा को तोड़ दिया। हमें समझ क्या रखा है उन लोगों ने? मैं अपनी शराफत की वजह से खामोश रहता हूँ और वो मेरी इस खामोशी को बुजदली समझते हैं। आज अगर आशु ना पहुंचता वहां तो न जाने क्या हो जाता। आखिर मुझे भी तो पता चले कि क्या बात हुई है। उन्होंने कुसुम को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला है। देखिए, देखिए, आप गुस्सा मत होइए। इस वक्त अमरनाथ जी को फोन करना ठीक नहीं होगा। पहले आप शांत हो जाइए, बाद में फोन कर लीजिएगा। आज जो कुछ भी हुआ है वो हमारी शराफत और हमारी खामोशी का बदला है। अगर अब भी हम खामोश रहेंगे तो ये ठीक ना होगा। अमरनाथ जी को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि हमारी खामोशी में तूफान भी छुपा हुआ है। हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? वो तो यही चाहते हैं कि रिश्तों में कड़वाहट आ जाए। बहू, उन्हें खरी खरी सुनानी पड़ेगी। अरे हम लड़के वाले हैं क्या? क्या अधिकार था उनको कि वो हमारी बहू का अपमान करें? जी, मैं अरुणा से बात करूंगी। सुनिए, आप भी उनकी तरह उन्हें चार बातें सुना देंगे। इससे आपका दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा, लेकिन आशु और सरिता के लिए ठीक नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना? अरे जो कुछ सोचे वो हम ही सोचे, उनको कुछ नहीं सोचना चाहिए। हाँ। बेटिया, खाना खा लो। आप लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। मालकिन ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम भी नहीं खा रही। द्वारका, खाना लगा लो, मैं मम्मी को लेकर आती हूँ। चलिए मम्मी, खाना खा लीजिए। जिन हालातों में मैं बाहर रह रही थी, अगर मेरी जगह कोई भी और औरत होती तो उसे भी शक हो जाता। आशु मुझे प्यार से भी तो समझा सकता था ना मम्मी? उसे मुझ पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? दरअसल तूने और तेरे पिताजी ने ऐसे परिवार में जिंदगी नहीं गुजारी जहां भाभी को भाभी नहीं, मां का सम्मान दिया जाता है। और तूने उसी रिश्ते को गाली दी। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाई। एक बात बता बेटी, अगर आशु ने तुझे छोड़ दिया तू सुखी रह पाएगी? क्या कहानी सुनाएगी अपने उस मासूम बच्चे को कि तेरे पिताजी ने उसके पिताजी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। माँ, जितना प्यार मैं आशु से करती हूँ उतने प्यारे पापा भी मुझे हैं। तो मैं किसकी बात समझूं, किसकी बात मान लूं? बेटी, ये घर तेरे पिताजी का जरूर है, लेकिन तेरा असली घर वो है जहां तू ब्याह कर गई थी। तुझे अपना जीवन तेरे पति के साथ गुजारना है। अब तुझ पर पूरा अधिकार तेरे पति का है, ना ही मेरा है, ना ही तेरे पिताजी का। एक बात कहूं बेटी, जिंदगी की तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एक वो जो हम देख रहे हैं और एक वो जो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें मैं समझ गई माँ, मैं समझ गई। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। काश ये एहसास पहले हुआ होता। तुम अपना पूरा ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे साये में जो मासूम जिंदगी पल रही है वो हमारी सबकी खुशी है। जाओ, जाके खाना खा लो। जाओ, आप भी चलिए। जिद मत करना, मुझे सचमुच भूख नहीं। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी भूखी रहूंगी। क्या बात है आशु, अभी तक सोया नहीं? तो इन हालात में किसे नींद आ सकती है माँ? मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्यों नहीं सोई? बेटा, तू ये बात जानता है ना कि अमरनाथ जी कभी भी ये रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सरिता और तुम्हारे प्यार के आगे उन्हें झुकना पड़ा और ये रिश्ता उन्हें करना पड़ा। माँ, अगर अब भी अमरनाथ जी ये रिश्ता नहीं चाहते तो हमें क्या जरूरत है? अगर वो गलती कर रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी वही करें। माँ, अब तू जाकर खाना खा ले। 2 दिन से तू ऑफिस भी नहीं गया है, कल तुझे ऑफिस जाना है। क्या कह रहा है ये? मैंने इसे सब समझा दिया है। तू जा खाना खा ले, कुछ नहीं खाया तुमने। जी पापा। और अब अमरनाथ जी को भी समझाना पड़ेगा, कल ही जाके समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको अमरनाथ जी से बात करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जो भी बात करें वो सोच समझ कर और शांत मन से कीजिएगा। और क्या करेंगे, यही तो कर रहे हैं। अब तक जो हमने जिल्लत उठाई है वो सिर्फ इसीलिए तो उठाई है क्योंकि हमने शांति से काम लिया है। मैं देख रहा हूं, जब से ये रिश्ता हुआ है अमरनाथ जी को ऐसा लगता है उनसे संबंध जोड़ के हमने समाज में उनको बेइज्जत कर दिया है। वाह, अगर लड़की नहीं देनी थी तो ना देते, हम क्या जबरदस्ती उठा लाते? ब्याह के लाए उनसे और कुसुम से ज्यादा देखभाल की है हमने उनकी बेटी की, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अमीर खानदान की इकलौती बेटी है, हमारे घर में उसे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्या मिला हमें ये सब करके? अब किसे क्या मिला क्या नहीं मिला इस हिसाब में पढ़ने से क्या फायदा है? लेकिन जरा कुसुम के बारे में सोचिए, उसने कितना अपमान सहा है, फिर भी वो चुप है क्योंकि उसके कर्तव्य ने उसे चुप रखा है। उसके मन पर क्या गुजरी होगी, कैसे सहा होगा उसने सब कुछ, जबकि वो निर्दोष है। और वो ये सब कुछ किस लिए कर रही है? सिर्फ हमारे आशु और सरिता को मिलाने के लिए ना।